वेलकम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे, जिसमें से कल हमने एक हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर बात की थी। आज हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हार्मोनिक कॉन्जुगेट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। वी हैव जस्ट शोन दैट इफ़ एफ एफ जी यू एक्स वाइज प्लस आयोटा वी एक्स वाइज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यू एंड वाई आर नेसेसरी हार्मोनिक इन डी। तो यहाँ पे एक बात हमें सीखने को मिली कि जो फंक्शन एनालिटिक होगा ना, वो हार्मोनिक ज़रूर होगा। अब हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट के ऊपर बात करते हैं। हम लोग ने जो इस फंक्शंस के अंदर जो होता है ना, हमने कहा यू एक्स वाई जो होते हैं एक रियल फंक्शन जो हार्मोनिक इन डी है। वो कहता है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड अनदर रियल हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन वी एक्स वाई सो दैट यू एंड वी सेटिस्फाई द कॉची रमान इक्वेशन थ्रू द डोमेन्स इन द फंक्शंस वी एक्स वाई इज़ कॉल्ड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट यू एक्स वाई। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास u जो होता है वो रियल फंक्शन होता है हार्मोनिक। अब कोई और ऐसा रियल फंक्शन जो हमारे पास वी एक्स वाई, अगर वो एक रियल फंक्शन आप फाइंड कर लेते हो, तो v जो होगा वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा यू एक्स वाई के ऊपर। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज से हमने कॉपी किया, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स वो कहते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स के ऊपर फाइंड करें। तो याद रखिए, ये ही क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिएगा, आपके बाकी पार्ट्स जो होंगे वो बिल्कुल इसी टाइप के होंगे और इसी तरह के स्टेप से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग फोकस कीजिएगा। मैंने ये रियल पार्ट यू एक्स वाई एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, तो हमने उसको कॉपी किया। मैंने यू को एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, फिर यू को वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, तो मेरे पास ये आंसर आया, वो आपको पता है। फिर हम ये जानते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है, तो एनालिटिक होने की वजह से सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन क्या कहती है? यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई। अब हमारे पास क्या होता है, यू एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन ये है, यू एक्स जो कि इक्वल है वी वाई के, वी वाई की वैल्यू जो यू एक्स की होगी वो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी, वो मैंने ये लिख दी है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका इंटीग्रेशन ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लूँगा तो मेरे पास ये कुछ बन जाएगा ना, टू वाई बन जाएगा, माइनस टू वाई का स्क्वायर ओवर टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास वहाँ पे जब ये इंटीग्रेशन लेते तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता था, तो वो जो कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास सी होता था, कुछ भी लिख सकते थे। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट एच ऑफ एक्स यूज़ किया। अब एच ऑफ एक्स क्यों यूज़ किया, इसका आगे हमें फ़ायदा आएगा। वो इस वजह से यूज़ किया, जब मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब डेरिवेटिव लूँगा ना वी का, तो ये मेरे पास ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक न्यू चीज़ है और ये वाई है, तो ये आपस कैंसिल हो जाएंगे, ये कांस्टेंट के तौर पर विद रिस्पेक्ट टू बिहेव करना शुरू करेंगे ना। तो वी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये इसके ये का ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे एच प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा। अब मुझे असल में ये सारे डेरिवेटिव दोबारा क्यों लेने पड़े, मुझे एच ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। अब उसके लिए मुझे सबसे पहले उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया। अब मैं जानता हूँ कि वी एक्स किसके इक्वल होता है, सी आर इक्वेशन के थ्रू माइनस यू वाई, यू वाई की वैल्यू हमारे पास ये खड़ी है माइनस टू एक्स, तो माइनस एक ये खड़ा है, एक माइनस ये खड़ा है, तो ये माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स से क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स बन जाएगा। अब मैं वी एक्स की जगह पे टू एक्स पुट कर सकता हूँ। अब मैं चूँकि चाहिए एच ऑफ एक्स चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास एच ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यूज़ को मैं किस में पुट कर दूँगा, वापस एक्स के अंदर, वन के अंदर, तो मेरे पास वी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फंक्शन क्या होता है, एफ जी इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यू की वैल्यूज़ तो हमारे पास ये खड़ी है, वी की वैल्यूज़ हमने अभी फाइंड किए जो कि यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। उम्मीद है हमारे पास ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इसी के रिलेटेड हैं। अगर आपको ये दोबारा वीडियो को पॉज कीजिएगा और दोबारा इसको लिसन कीजिएगा, तब आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यू एक्स वाई एक्स की 3 माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर। अब मैं जानता हूँ यू एक्स इज इक्वल टू यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या, फिर यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव क्या, वही स्टेप कर रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि यू एक्स इज इक्वल टू होता है वी वाई के सी आर इक्वेशन के थ्रू। अब हमारे पास जो यू एक्स की वैल्यू होगी वी वाई की हो जाएगी, वो ये बन जाएगी। अब मुझे सबसे पहले वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा विद रिस्पेक्ट टू
वाई करूँगा ना तो ये वाई ख़त्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन लगा, तो मैंने कांस्टेंट एच एफ एक्स। अब एच एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी एक्स वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू ये वाई तो वाई के थ्री तो ख़त्म हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। अब ये वाले आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, थ्री एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो ये सिक्स एक्स वाई बन जाएगा प्लस एच प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब मैं जानता हूँ ना कि वी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस यू वाई के ऊपर। अब यू वाई की वैल्यूज हमारे पास माइनस सिक्स एक्स वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिक्स एक्स वाई बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज सिक्स एक्स वाई की वैल्यूज मैं ए के अंदर पुट कर सकता हूँ वी एक्स वाई की जगह, वी एक्स की जगह पे मैंने जब भी पुट कर दिया तो मेरे पास ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। एच प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख भी लूँ, चलो एच प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास जीरो के ऊपर, जब मैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब ये सी की वैल्यूज़ मैं एच एफ एक्स की जगह पे पुट कर दूंगा, वापस यू प्लस आयोटा वी होता है, यू की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, वी की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर थ्री है, वो कहता है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई है, मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूँगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूँगा यू का, फिर मैं जानता हूँ कि यू एक्स जो होता है वो वी वाई के बराबर होते हैं, तो इस तरह यू एक्स की वैल्यूज़ वी वाई की बन जाएगी। अब इसका सबसे पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लूँगा, मैं कांस्टेंट को नाम दे दूँगा एच प्राइम ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दूँगा। अब हम लोग वी एक्स के थ्रू इसका डेरिवेटिव ले लूँगा, तो मेरे पास आंसर कुछ इस टाइप का बन जाएगा एच प्राइम ऑफ एक्स का, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दूंगा। अब हम ये जानते हैं कि वी एक्स इज इक्वल होता है माइनस यू वाई, यू वाई की वैल्यू हम जानते हैं ये खड़ी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई बन जाएगा। अब वी एक्स की वैल्यूज मैं इक्वेशन ए के अंदर पुट करूँगा, जब मैंने उसके अंदर वैल्यू पुट की तो मैं वो आपस में कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से एच प्राइम ऑफ एक्स जीरो की इक्वल हुआ, मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली एच एफ एक्स, तो ये हमारे पास सी बना। इसको मैंने वापस वन में पुट करना है, तो वन में मेरे पुट कर दिया, ये चीज़ बन गई। अब हमारे पास एफ जी इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है, यू की वैल्यू आप जानते हैं, वी की वैल्यू भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, यू एक्स वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई होता है, इसी तरह यू को एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, वाई वी वाई इक्वल टू यू एक्स है, वही चीज़ मैंने लिख दिया। फिर इसका इंटीग्रेशन ले गया विद रिस्पेक्ट टू वाई को, तो एच एफ एक्स आया। फिर एच एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने वी का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया, जिसकी वजह से मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, तो मेरा एच प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा। अब वी एक्स की वैल्यू माइनस यू वाई के बराबर होती है, और यू वाई की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ बन जाती है, मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से एच प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, एच एफ एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू ये कुछ बन जाएगी, एफ जी इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो यू की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू पुट कर दी, जो वी की वैल्यू आती है वो हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट की वैल्यू आती है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।